देखिए, हनुमान जी के कारण राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं। हमने आज यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर उनके हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो भगवान राम की आज पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हनुमान जी के कारण ही वैर रामायण अधूरी है। परम भगत थे, उनके चरणों को पर बैठकर जो दिशा उन्होंने तय किया, उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते। और इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों से यही अनुरोध करता हूँ कि आज सब लोग अपने घरों में दिया जलाएं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है, जो रामचरित मानस हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ता को अपनाना चाहिए। सर, आप यहाँ आए हैं तो जैसा पहले भी आपने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति भी आने वाली है, तो क्या राम जी की मूर्ति लगाई जाएगी? हाँ, उसके लिए देखिए, हनुमान जी परम भगत थे राम जी के, और राम जी के अधूरे है हनुमान जी के प्यार। तो हमने राम जी की मूर्ति लगाने का यहाँ निर्देश दिए हैं, और प्रयास ये है कि अच्छी जगह मिले और उसकी पूरी क्लियरेंसेस लेने के बाद यहाँ मूर्ति की स्थापना की जाए। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है सनातन की जीत हुई है और मुख्यमंत्री को भी इस बात का आभास हो चुका है। देखिए, हम तो खुद सनातन धर्मी हैं, मुझे किसी चीज के एहसास की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो हर चीज में राजनीतिक त्रुटियां सोचनी है नेता प्रतिपक्ष की। तो इसलिए जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उस दृष्टि से उनको जो भी हमारे अच्छे कार्य तक पीड़ा होती है। मैं तो कहूँगा कि आप भी सनातन धर्म के जो आदर्श है और राम के दर्श है, उन पर चलिए। सर, राहुल गांधी जी को रोका है असम में? राहुल गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की, और सभी लोकतंत्र में अधिकार है किसी देश की, किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता, पर जो भी सरकारें उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है कि वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं। अड़चने पैदा जो लोग करते हैं वो गलत मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी यात्रा शुरू करने का अधिकार है। हिमंता बिस्व शर्मा ने ये कहा है कि अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, चुनावों के बाद 2-3 महीने बाद गिरफ्तार करेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम किया जो गिरफ्तारी होगी, वो ठीक है कि ध्यान बांटने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और यह अक्सर ध्यान बांटने की बात होती है, और इस ध्यान बांटने की कोशिश रहती है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो अथा समर्थन असम में मिल रहा है, उस बात से ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत